हेलो सत श्री अकाल एंड नमस्ते कीप वॉचिंग हम टुमॉरो ट्रैवलिंग हंसते हंसते ही गाइज दिस इज योर होस्ट अलायका कन्नन एंड यू आर वॉचिंग हम टुमॉरो ट्रैवलिंग। पिछली वीडियो को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच एंड हियर वी गो। गाइज तो आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ मथुरा वृंदावन, बिकॉज एक लॉन्ग ड्राइव चाहिए थी बहुत टाइम से, मतलब एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी हम होके आए थे, बट देन एक लॉन्ग ड्राइव तो बनती है ना एग्जाम्स से पहले, जितना थोड़ा घूम लो क्योंकि नेक्स्ट वीक तो एग्जाम्स है, इसीलिए अब हम मथुरा वृंदावन जाएंगे एंड मतलब पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके आएंगे वहाँ पे। मैं तो हो गई हूँ रेडी, सुबह से जल्दी उठ गई थी मैं, मैंने पहनी है कटफट वाली पैंट क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है भाई दिल्ली में, अब बहुत गर्मी हो चुकी है, गर्मी आ चुकी है नॉर्मल, अब आप फैन चला सकते हैं। और इसके साथ अब हम घर में देखने चलते हैं कि घर वाले क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं निकले हम यहाँ पे तक। अभी एक्चुअली पूजा करके हटी है, ये एरिक अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है और आप ये तैयार हो चुका है इसीलिए अटेंड कर रहा है, वरना मैं इसे अटेंड नहीं करने देती। मैम आपको कितनी देर है रेडी होने में? सॉक्स पहनने, शूज पहनने। वाओ। सो गाइज मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मम्मा भी रेडी हो चुकी है अब, लेकिन शायद पापा को अभी टाइम लगेगा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। तो पापा आप कब तक आने वाले हैं बाहर? जय श्री कृष्णा। सो गाइज जैसे मैंने आपको बताया था हम घर से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं वृंदावन। तो एक जगह जाने के बहुत अलग अलग रास्ते होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम पापा से पूछो कि हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं। तो पापा बताओ हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं। बेसिकली हम लोगों ने एंट्री करनी है नोएडा के अंदर और अब यहाँ से दो रास्ते करते हैं, एक एक्सप्रेसवे से और एक करता है पलवल वाला रास्ता जो कालंदी कुंज की तरफ से होते हुए जाएंगे हम लोग। तो अगर हम सीधा एक्सप्रेसवे से जाते हैं तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों व्लॉग का, क्योंकि मेरी बिटिया का व्लॉग है, धक्के खाने पड़ते हैं, बापूँ क्या करूँ, व्लॉग अच्छा जाना चाहिए। बट तो हम लोग जाएंगे कालंदी कुंज से बदरपुर वाले रोड से होते हुए पलवल वाले रास्ते में और कुछ देखेंगे आपको दिखाने लायक रहा तो उसमें अच्छा, इसलिए जा रहे हैं हम उस रास्ते पे, नहीं तो एक्सप्रेसवे बहुत छोटा पड़ता है, बहुत फास्ट पड़ता है। ठीक है यार व्लॉग बनाने निकले हैं साथ में दर्शन, मेरा फ़ायदा ये होता है कि दर्शन मेरे और मेरे मिसेज को दर्शन हो जाते हैं, इनका व्लॉग बन जाता है। तो जय श्री कृष्ण, मिलते हैं। हाथ पहन लो वरना रास्ता कटने की जगह आपका चालान कटेगा। ये गाइस आ चुकी है फिल्म सिटी, आगे यहाँ से लेफ्ट मुड़ते ही आएगी हमारी फिल्म सिटी जहाँ हमें मिलेंगे बहुत सारे टीवी रिपोर्टर्स, एंकर्स और ऑब्वियसली फिल्म स्टार्स, और हम सीधा ही जाएंगे क्योंकि हमें अभी टाइम नहीं है, हम वैसे ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, हम घर से थोड़ा सा लेट निकले थे। एक्सप्रेस वे आने वाला है और हम चल रहे हैं नोएडा में। ये गया रास्ता एक्सप्रेस वे, लेकिन जैसे बताया था कि वहां जाना नहीं है तो हम जाएंगे यहाँ इस रास्ते पे, कलंदी कुंज फ्लाईओवर पे। आज भी अच्छी सी चाट मिलती है जैसे 20 साल पहले मिलती थी और ये बात मुझे मेरे पापा ने बताई है, और ये फ्रूट चाट होती है बेसिकली, तो आप देख सकते हो बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये ब्रॉड फ्लाईओवर है और बहुत प्यारा आर्ट्स करा हुआ है, तो रास्ते में देखते चलते हैं और आपको भी दिखाते आएंगे। सो गाइज ये है शाहीन बाग की मार्केट एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स का फैक्ट्री आउटलेट है, सो वी गेट गुड डिस्काउंट्स इन यहाँ, मुझे ऐसा पापा ने बताया, और यहाँ पे खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। सो एक दिन हम यहाँ से ज़रूर आएंगे और अच्छा सा व्लॉग बना के जाएंगे। तो गाइज अब हम भरवा रहे हैं डीजल क्योंकि हमारी गाड़ी में डीजल डलता है।
सो गाइस यहाँ ना बहुत सारे गुलशन के ढाबे हैं, डोंट नो व्हाई, और ना बहुत देर से बोर्ड आ रहा है कि 20 किलोमीटर्स बाद गुलशन का ढाबा है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ढाबे और इनमें से कोई भी हाइजीनिक नहीं लग रहा, आई डोंट नो व्हाई। सुखदेव और मूठल का ढाबा ओरिजिनल ऐसे लिखा आ रहा है, बट थोड़ी थोड़ी देर बाद, बट हमने मूठल जब गए थे तो हमने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा हमारी मूठल के अलावा और कहीं ब्रांच नहीं है पूरे इंडिया में। तो मुझे नहीं पता लोग इतने फेक काम क्यों करते हैं। एनीवेज मेरा काम है आपको बेस्ट फूड बताना बेस्ट ट्रैवलिंग के साथ साथ। तो आज हम एक बहुत डिलीशियस फूड खाने वाले हैं। वैसे पेट में बहुत भूख लगी है और ये बार बार गुलशन का ढाबा लिखा रहा है, पापा यहाँ आते जाते रहते हैं, उन्होंने मुझे प्रॉमिस करा कि वो हमारे लिए बेस्ट फूड देखेंगे, तो हो सकता है वो हमें वही ले जाएँ। और इस चेन में ये सबसे बेस्ट ढाबा है। हम काफ़ी देर से कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे अच्छा सा ढाबा, क्योंकि आपको पता है हमें अच्छी ट्रैवलिंग और अच्छा फूड साथ में चाहिए। तो फाइनली अब हमें मिल चुका है और इस ढाबे का नाम है गुलशन नंबर 1 ढाबा। इस ढाबे की बहुत सारी कॉपीज़ हम पीछे से देखते आ रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे गुलशन ढाबा, गुलशन नंबर 1 ढाबा थे। अब चलते हैं अंदर। तो अगर आप पलवल वाली साइड से आएंगे, दिल्ली से पलवल की तरफ से वृंदावन आएंगे, तो पलवल का टोल पार करते ही 6 किलोमीटर्स बाद एग्जैक्टली ये ढाबा पड़ेगा। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ ढाबा, इट इज़ अ रेस्टोरेंट, बट देन फॉर नेम थिंग फैंसी साथ करने के लिए शायद उन्होंने इसे ढाबा नाम दे दिया। और यहाँ काफ़ी सारी कार्स आई और काफ़ी सारी फैमिलीज है और एसी भी है, तो गर्मी तो बहुत लग रही है। और प्योर वेज है सबसे बड़ी बात, तो ये है। I'm somewhere in the middle, try to find myself again. तो गाइज आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत सारी फैमिलीज आई है और मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, दो पापा यहाँ आ चुके हैं बहुत बार ही। गाइज आप मेन्यू देखो यहाँ पर, साउथ इंडियन लंच के बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, राइस और स्नैक्स है और साउथ इंडियन है, तंदूरी है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर आपको, और चाइनीज़ भी है। तो वेज के अंदर इतनी सारी वेराइटीज़ और स्पेशल थाली है इनके पास, जो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी लग रही है हमें, और डेजर्ट्स और सीजनल वेजीज भी हैं, तो यानी खाना तो फ्रेश बनता होगा, इतना हमें इस बात से क्लियर हो चुका है। सो लेट्स गेट सीटेड एंड देन हम देखते हैं क्या करना है। गाइस हमने जो ऑर्डर करा है वो है गुलशन स्पेशल पनीर लबाबदार, और हमने ऑर्डर करा है यहाँ की स्पेशल थाली, और उस थाली के अंदर है दाल मखनी, शाही पनीर, राइस, चपाती, बटर नान, बटर रोटी, पापड़ और 2 रसगुल्ले। सो इट इज़ अ कम्प्लीट डिश, और इसका जो प्राइस है वो है 280, और जो हमारा पनीर लबाबदार है उसका प्राइस है 200। सो ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने लिख रखा है कि 20 मिनट्स के अंदर अंदर ऑर्डर सर्व होगा। इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली जो फूड है वो प्योर और फ्रेश बनेगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो खाना बन नहीं सकता जैसे हमें जल्दी से बाकी रेस्टोरेंट्स में आ जाता है। खाने से पहले हमारा सैलेड आ चुका है और ये काफ़ी फ्रेशली कटा हुआ दिख रहा है हमें, और ये है पनीर लबाबदार जो बहुत सारी कैश्यूज से ओवरलोडेड है, और ये पनीर की नहीं काजू की सब्जी ज़्यादा लग रही है। बाय द वे इसके अंदर और भी सारे ड्राई फ्रूट्स डले हुए हैं और काफ़ी फ्रेश लग रहा है ये भी, आप देख सकते हो कितनी थिक ग्रेवी है, मतलब मज़ा आ गया। क्योंकि हमारी थाली इसके अंदर इतना सब कुछ है, रोटी, सैलेड, चावल, दाल मखनी, शाही पनीर, रायता, रसगुल्ले और पापड़, मतलब 2 लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट फूड है, और जो मतलब नॉर्मल हेल्दी डाइट ले उनके लिए, बाकी तो आप जितना मर्ज़ी खा सकते हैं, आपको कौन रोकने वाला है, और कम भी खा सकते हैं, मतलब मेरे जैसे 3 लोग इसमें खा लेंगे फॉर श्योर। तो वैसे तो हाइजीनिक है बहुत ज़्यादा, अभी टेस्ट करके बताते कि कैसी लग रही है ये। सो ये शाही पनीर है और मैं इसके साथ फर्स्ट बाइट ले रही हूँ।
कहना नहीं चाहिए लेकिन शाही पनीर का टेस्ट बटर चिकन की जैसा है, तो आप समझ गए होंगे मुझे कितना ज़्यादा पसंद आ गया। इसके अलावा अब हम दाल मखनी खाएंगे। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है क्योंकि दाल मखनी और शाही पनीर काफ़ी एक साथ ही में अच्छे लगते हैं और नान के साथ तो बहुत ज़्यादा। प्योर बटर से बना हुआ है और मज़ा आ गया खा के। अब मैं आपसे और पनीर लबाब चाट, अब मैं उससे भी खा के एक बाइट आपको एटलीस्ट बताऊंगी कैसा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पनीर की कम ड्राई फ्रूट की सबसे ज़्यादा लग रही है, तो ये बहुत ऑसम है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। एंड व्हेनेवर यू कम ट्राई दिस ढाबा, बहुत भूख लग रही है, अभी खाने के बाद बात करते हैं। सो गाइज, अब हमने खाना खा लिया, उसके बाद मैं मीठा ना खाऊं ये तो हो ही नहीं सकता, तो अब हम खा रहे हैं आइसक्रीम और मतलब मम्मा का साटा खा रही क्योंकि इन्हें वो पसंद है और मैं कॉर्नेटो खा रही हूँ, बाकी एंजल एरिका वी आर नॉट सो श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो अब मैं मतलब आइसक्रीम तो सारी अच्छी होती है, मेरी फेवरेट है चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स, आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैं कट करने वाली हूँ। परफेक्टली ऑल राइट। सो गाइस, हम यहाँ के अब ओनर से बात करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ, बट मेरी डैड यहाँ बहुत बार आ चुके हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बदन यहाँ का फूड है ही इतना अच्छा, इसीलिए मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ, मैं आपसे अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती हूँ, ऐसे नहीं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है तो कर दिया। सो लेट्स टॉक टू हिम नाउ, एंड वो थोड़े से बिजी हैं अभी काउंटर पे। हेलो अंकल, राधे राधे। राधे राधे जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताओ? बहुत अच्छा। अंकल, आपका ये रेस्टोरेंट कितना पुराना है? ये इसको 18 साल होने वाले हैं बेटा। 18 साल, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। और आप का स्पेशल क्या है यहाँ पे? सब चीज़ स्पेशल है, जो भी अच्छी है सब चीज़ ताज़ा बनती है, फ्रेश बनती है। क्यों? आपको उनके बारे में कैसा लगता है जो फेक ब्रांचेस बनी है आसपास, गुलशन नंबर 1 ढाबा? हम अपना कह सकते हैं, दूसरे का किसी का क्या कहें। नहीं मतलब आपको कैसा फील होता है उस बारे में? 81 माइल्स ढाबे के नाम से हमारा लोगो है, रजिस्टर्ड है गुलशन नंबर 1 का, उसमें है घी अमूल का घी, वाह, बटर वाइट और अमूल का जो देसी घी आता है वो। एड्रेस ये गुलशन नंबर 1 ढाबा, NH पहले 2 होता था, NH 19 है, और इस पे ये 81 माइल्स पे है, 81 माइल्स के नाम से मैंने इसको रजिस्टर्ड कराया है, तो दिल्ली से 81 किलोमीटर पे है, 81.2। पलवल डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ये पंचारी गांव के पास है, होटल के पास। और कुछ नियर बाय प्लेस जो नियर बाई? इंडियन ऑयल पंप अपोजिट में KCM पब्लिक स्कूल। टाइमिंग्स क्या है? 24 घंटे, 24 आवर्स। और मतलब सैटरडे संडे बैंक हॉलीडे कोई छुट्टी नहीं होती हमारी ना। मेरे सब्सक्राइबर्स यहाँ हैं, तो आप उन्हें कितना डिस्काउंट देंगे? आपके लिए तो पूरा है। थैंक यू अंकल, बट एक सब्सक्राइबर्स आए तो आप 10% तक, और कोशिश करूंगा ज़्यादा भी। थैंक यू सो मच। तो गाइस, अगर आप यहाँ आएंगे और मैं आपको एक कोड बताऊंगी जो डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वो यूज़ करेंगे तो आपको 10% या ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, वो अंकल के मूड पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। इसके अलावा 15% तक मतलब कर देंगे आपको डिस्काउंट। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ की लोकेशन डाल देती हूँ ताकि आप कभी भी डालो, टैप करना और आ जाना सीधा। आई डोंट वांट यू टू वरी। इसके अलावा ये वीडियो फिर से बता रही हूँ, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली स्पॉन्सर्ड, क्योंकि अगर स्पॉन्सर्ड होती ना तो मैं इतना एग्जैगरेट नहीं करती जितना मैं कर रही हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं जो भी करती हूँ इट कम्स ऑल द वे फ्रॉम माई हार्ट आउट, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू इन्जॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। हम तो आर ट्रैवलिंग, लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड टुगेदर। यहाँ पे हमें खाना खा के मज़ा आ गया, हमारा रिव्यू 10/10 था, एंड अंकल के बात करने का तरीका तो एकदम बहुत अच्छा था, बहुत प्यार से बात कर रहे थे और उन्होंने खाना भी हमें बहुत प्यार से खिलाया, मैं सच बोलूँ तो। और अब पार्किंग स्पेस देखो, इतनी सारा सादा पार्किंग स्पेस है, और अगर किसी ने इतनी ज़्यादा पार्किंग स्पेस बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी ना, ऑब्वियसली बिकॉज लैंड ऑल्सो कॉस्ट समथिंग। मैं तो यही बोलूँगी आप यहाँ आओ एंड ज़रूर ट्राई करके जाओ एटलीस्ट वंस, उसके बाद मेरा ओपिनियन तो यही है ना, आप मान सकते हो मेरी बात, बाकी आपको डिस्काउंट का मैंने बता दिया है। सो गाइस, मैं आपको बताना चाह रही थी कि एक सेकेंड, राधे राधे एवरीवन।
आप यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं? हम आते रहते हैं, काफी बार आए हुए हैं पहले। अब यहाँ काफी बार है, कितनी बार? वंस इन अ मंथ पहले होता ही था, बट कोरोना लॉकडाउन ऑफ कोर्स, तो उसकी वजह से लेट हो गया। फिर अब आफ्टर वन ईयर। मतलब उससे पहले कितनी बार आ चुके हैं? वंस इन अ मंथ एवरी टाइम हम आते थे। कितने सालों से? 6-7 ईयर्स। वाओ, दैट्स 10 ईयर्स, 12 ईयर्स से। 12 ईयर्स, दैट्स ग्रेट। एंड आपको आप हमेशा यहीं रुकते हैं? हां, हमेशा, और कहीं रुकना ही नहीं है। ये हमारी बेटी है, हमेशा यहीं पे आके रुकती है, और पहले घर से ही चल के बोलती है वहीं पे रुकना है। आपको ऐसा क्या अच्छा लगता है यहाँ? यहाँ के पनीर के पकौड़े होते हैं एंड फ्रेंच फ्राइज ऑल्सो बहुत टेस्टी होते हैं। बहुत बड़ी पराठा, पराठा पनीर का, गोभी का, आलू का जो आते हैं, बहुत मक्खन अच्छा देते हैं, वो अच्छा लगता है। मेरी छोटी बहन आपकी तरह से भी ये सब पसंद है। एंड आंटी, आपको यहाँ सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे तो सभी कुछ अच्छे, पराठा खाते हैं, पकौड़े खाते हैं और चाय वगैरह भी। चाय इंडिया में, चाय इज अ ट्रेंड। परांठे के साथ चाय बहुत टेस्टी लगती है लेनी, वो मतलब बड़ों के लिए भी है कि उन जैसे थके होते हैं तो उनको चाय की रिक्वायरमेंट होती है तो पी लेते हैं। एग्जैक्टली। और प्राइस वाइज अंकल आपको यहाँ कैसा लगता है? बिल्कुल रिजनेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल रिजनेबल है, औरों के मुकाबले तो बहुत रिजनेबल है। जैसे हम मेन्यू वगैरह, हमने फ्रेंड सर्कल के साथ आए तो मेन्यू जो हम देखते हैं उसके हिसाब से तो बहुत ही रिजनेबल है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी इन्होंने मॉडिफाई किया है, आज पता लगेगा अंदर जाके कहीं प्राइस बढ़ तो नहीं गई इसके हिसाब से, ये भी देखना होगा ना आज। एग्जैक्टली, हाँ जी। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, एंजॉय योर मील, थैंक यू। सो गाइस, अगर आपको वैसे डिस्काउंट चाहिए है ना, वो 15% वाला, व्हाट यू हैव टू डू इज शो देम कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है, और जो वो कोड है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ उसको बोलना पड़ेगा, एंड फॉर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ माई नेम, क्योंकि बहुत लोग उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। इट इज़ अलाइका 61, यही कोड है, आप यहीं आके बोलेंगे। और मेरा को सब्सक्राइब करें ज़रूर दिखाना। बाकी खाने पीने के लिए ना हल्के फुल्के स्नैक्स भी है, बोलूँ मैं, बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेड चॉकलेट्स भी है, बॉन्टी, मार्स एंड ऑल दैट, जो आपको पसंद है मुझे पसंद है। और ये है बादल चूर्ण, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस चूर्ण इन इंडिया। और यही कैंडीज वगैरह आ गई, एंड दिस आर ऑल इम्पोर्टेड, ये सारी चॉकलेट्स इम्पोर्टेड है, ये स्टार स्ट्राप्स होते हैं, मार्शमेलो है ये, देन ये हमारी सारी चॉकलेट्स आ गई, ये च्युइंगम गम कैंडीज आ गई, फिर ये हमारी इंडियन ब्रांडेड चिप्स जो हम सबको खाने बहुत ज़्यादा पसंद है, और जिनके बिना हमने अपना बचपन ही ऐसे काटा है। और सो गाइस, गुलशन ढाबा नंबर 1 के बाहर जो शॉप है, अब हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ के टाइमिंग्स क्या है और वो क्या क्या दे रहे हैं। और वो जो दे रहे हैं जैसे बाकी मॉडल्स के आगे होता है, वो MRP से ऊपर दे रहा है प्रोडक्ट्स, तो हम उनसे पूछते हैं। तो अंकल, आपके टाइमिंग्स क्या है? सुबह 6 से रात 12 बजे तक, 6 o'clock इन द मॉर्निंग टिल 12 o'clock एट नाइट। एंड आप प्राइजेस सारा माल हमारा प्राइस पे ऑन MRP पे सर, ठीक है। और आप क्या क्या बेसिकली जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है? बादल चूरन है, सारे इम्पोर्टेंट सामान, सारे सामान, चिप्स, नमकीन, बिस्कुट वगैरह, सारे सब, लॉलीपॉप वगैरह सब। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट फॉर द सपोर्ट ऑफ द चैनल, एंड कमेंट करना, ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, एंड आप यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, वैसे आपको आना ज़रूर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, यू वर वॉचिंग हम तुम्हारे ट्रैवलिंग।